हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लो। आज की जो मेरी टॉपिक है वो शेप टूल के बारे में है कि फोटोशॉप में शेप टूल का क्या यूज होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है फोटोशॉप में। ओके, तो सपोज जब भी आप फोरग्राउंड या बैकग्राउंड को हाईलाइट करते हैं तो शेप टूल की ही हेल्प से करते हैं, या कोई इमेज में टेक्स्ट लिखते हैं तो जब टेक्स्ट को आप ऐड करते हैं तो हाईलाइट भी करते हैं। जब भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप शेप टूल की हेल्प से भी हाईलाइट कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे में। सपोज यहाँ पे टूल पैनल में आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल टूल एक ऑप्शन है। रेक्टेंगल टूल पे अभी आप जो भी करंट में वर्क प्रीवियस टाइम में किए होते हैं वही टूल यहाँ पे एक्टिव होता है। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेक्टेंगल टूल शो कर रहा है। ठीक है, यदि आप इस पे पॉलीगन टूल पे इसके बिफोर वर्क कर रहे होते तो वही टूल एक्टिव होता है। यदि आप इलिप्स टूल पे वर्क किए होते तो वो टूल एक्टिव होता है। जो भी आप प्रीवियस में वर्क करके छोड़े होते हैं वही टूल यहाँ पर एक्टिव होता है या शो करता है। ओके, तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेक्टेंगल शो कर रहा है। तो रेक्टेंगल टूल का जो शॉर्टकट होता है वो यू होता है। सपोज इसको हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद कि यहाँ पे सिक्स टाइप की टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। इसका शॉर्टकट यू होता है। ओके, तो आप अगर यहाँ से टूल को एक्टिव ना करके शॉर्टकट भी प्रेस करते हैं यू, तो यहाँ पे टूल वो एक्टिव हो जाता है और उससे रिलेटेड सब मेनू में ऑप्शन शो करते हैं उस टूल से रिलेटेड। ओके, या फिर आपको टूल्स में जब भी इंटरचेंज करना होता है तो यहाँ कर्सर ले जाते हैं और शिफ्ट के संग यू प्रेस करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे इलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगन, हर टाइप्स के टूल यहाँ पे आपस में इंटरचेंज होते हैं। ओके, यानी आपको जब इंटरचेंज करना होता है तो शिफ्ट प्लस यू, और सिंगल टूल को एक्टिव करना होता है तो यू ओनली। ओके, अब सपोज यहाँ से ट्रायंगल टूल को ले लेते हैं। ट्रायंगल टूल पिक करते हैं और यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये ट्रायंगल जो ऐसे ड्रॉ हो रहा है उसको सेटिंग से मैं सेंटर से ड्रॉ ना करूं। ठीक है, तो यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। ठीक, फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इसी के बिहाफ पे। ये क्या हुआ कि अभी ये जो ट्रायंगल ड्रॉ हुआ ये सेंटर से ड्रॉ नहीं हुआ। ओके, फिर अब मैं चाहती हूँ स्क्वायर शेप में ये ड्रॉ, तो यहाँ से एंटर कर लेते हैं सेटिंग करके, फिर ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप सेटिंग से जैसे भी स्टाइल से आप अपने शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर सेंटर से करना चाहते हैं, प्रोपोर्शनल से करना चाहते हैं, स्क्वायर से करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेप की जो लिया है आपने तीनों, इस शेप में कलर जो है कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पे मैंने थ्री टाइप्स में रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक की यहाँ से साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रोक मीन्स होता है कि जो आप शेप लेते हैं उसके आउटसाइड जो बाउंड्री होती है उसके थिकनेस को आप इंक्रीज डिक्रीज भी यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो कितना पिक्सल आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सपोज मैंने 1.9 पिक्सल इसको सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से लाइन के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। डॉटेड में रखना है, डॉट में रख सकते हैं, प्लेन लाइन रखना है, डैश में रखना है, जैसे भी आप लाइन चाहिए वैसा लाइन आप चेंज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे सेटिंग होती है अलाइनमेंट की, कैप्स की, कॉर्नर की, वो सारी सेटिंग भी आप यहाँ से अपने शेप के पर्टिकुलर शेप में चेंजेस कर सकते हैं उन सेटिंग्स के थ्रू। ओके, उसके बाद विड्थ और हाइट देख रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे विड्थ और हाइट क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो लिंक है वो लिंक हाईलाइट है, लिंक ऑन किया गया है, तो विड्थ और हाइट इक्वल है। अब यहाँ पर लिंक को ऑफ करते हैं। जब यहाँ पे लिंक को ऑफ करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके पिक्सल्स को, विड्थ के पिक्सल को चेंज कर लेते हैं, सपोज 100 कर लेते हैं और एंटर करते हैं, तो देख रहे हैं कि जब लिंक ऑफ किया तो विड्थ की जो साइज है 100 लिखा तो सिर्फ विड्थ ही चेंज हुआ, हाइट नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिंक को ऑफ करके मैंने चेंज किया, सेटिंग किया था। जब हम लिंक को ऑन करते हैं तो जब विड्थ बढ़ाते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट भी बढ़ता है, लेकिन जब हम लिंक को ऑफ करते हैं तो सिर्फ सिंगल ही
विड्थ या हाइट जो भी आप चेंजेस जिसमें करते हैं पर्टिकुलर वही चीज इंक्रीज होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेयर से रिलेटेड और भी सेटिंग्स हैं, न्यू लेयर, कंबाइंड शेप, सब्सट्रैक्ट फॉर्म शेप, इंटरसेप्ट शेप एरियाज, ठीक है। तो ये जब भी आप सेटिंग करते हैं तो दो दो शेप्स के बीच में ये सेटिंग होती है। ओके, उसके बाद अलाइनमेंट, ये आगे की क्लास में इन सारे चीजों से रिलेटेड मैं बताऊंगी आगे की क्लास में, ठीक है। अलाइनमेंट का और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ये सारी चीज क्या है कि शेप को, शेप जो भी आप लेते हैं उसके अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए है। या तो सेंटर लेते हैं, मिडिल लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं, राइट लेते हैं, जैसा भी आप अलाइनमेंट की सेटिंग करते हैं वो यहीं से कर सकते हैं शेप में। फिर यहाँ पे दो शेप में चेंजेस कैसे करना है, किस शेप को फ्रंट में रखना है, किस शेप को फॉरवर्ड रखना है, बैकवर्ड रखना है, बैक में रखना है, वो सारी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये क्या था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी आप यहाँ से शेप लेते हैं उस शेप के साइज को फिक्स करने के लिए, शेप के ड्रॉ किस वे में ड्रॉ हो रहा है, उसके प्रोपोर्शन से हो रहा है, सेंटर से हो रहा है, स्क्वायर से हो रहा है, उसकी सेटिंग यहाँ से की जाती है। उसकी थिकनेस और कलर भी यहाँ से चेंज हो सकता है, वो ये सेटिंग ऑप्शन होता है सेटिंग का। फिर ये देख रहे हैं कि फिलेट का ऑप्शन है, यहाँ से जितने परसेंट आप 5 पिक्सल सपोज लिखते हैं और एंटर करते हैं, जितना परसेंट आप यहाँ पे लिखते हैं वो फिलेट साइड से कर्व हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पर 20 लिखती हूँ, 520 नहीं, सपोज यहाँ पे 20 प्रेस करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो देख रहे हैं जितना पिक्सल्स आप यहाँ पे लिखेंगे उतने पिक्सल यहाँ पे फिलेट हो जाता है। ओके, यहाँ पे एज को अलाइन करने का ऑप्शन होता है। अब सपोज यहाँ पे नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, नेक्स्ट टूल मतलब इलिप्स टूल, इलिप्स टूल को लेते हैं और यहाँ पर इलिप्स टूल से रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। सब सेम होते हैं, सबके प्रोसेस सेम ही होते हैं, बस कुछ में क्या होता है कि एक दो ऑप्शन इंक्लूड हो जाते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी सारी जो प्रोसेस होती है शेप की वो सब सेम होती है। ओके, तो इसमें भी आप वही सेम कर सकते हैं, कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्ट्रोक के उसके आउटलाइन को ऐसा रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ओके, विड्थ हाइट को चेंज कर सकते हैं उसके, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टूल क्या है, ट्रायंगल टूल। ट्रायंगल टूल क्या होता है कि तीन एज से मिलके बना होता है, ठीक है, थ्री साइड इसके होते हैं। अगर आप इसको फिलेट करना चाहते हैं, साइड से रोटेट करना चाहते हैं, देख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज और प्रॉपर्टीज, आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी सेटिंग कर सकते हैं, एडजस्टमेंट के आगे भी लगा सकते हैं। जब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने में इसके ऑप्शंस को दिक्कत होता है तो आप प्रॉपर्टीज उठा के यहाँ पे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे इस पैनल में साइड में आ जाता है तो ये क्लियर आपको दिखाई देता है। इसको और एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड कर देने से प्रॉपर्टीज के जितने ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो फिलेट है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिलेट मींस कि इसके साइड में जो एजेस हैं उस एजेस में आप चेंजेस ला सकते हैं। एंटर करते हैं तो देख रहे हैं इसमें हल्का कर्व हो चुका है, ठीक। यहाँ से स्ट्रोक में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको और कलर की नीड होती है, जो कलर आप इसमें सर्च कर रहे हैं वो कलर इसमें नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें मल्टी कलर्स हैं। इस मल्टी कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से, कलर पैलेट ओपन हो जाता है और इसमें से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, जैसा भी आप इसके बाउंड्री में चाहते हैं सेव के, और ओके कर देते हैं। यहाँ स्ट्रोक पे जाते हैं और अभी देख रहे हैं कि इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ से कम करना है, सपोज 0 कर देना अभी और एंटर कर देना है, तो इसका जो कर्व है देख रहे हैं कर्व में चेंजेस हो गया है। तो यहाँ से ये शेप की आउटलाइन जो होती है वो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आप ये देख रहे हैं जो शेप आप लिए हैं उसके आउटलाइन, मतलब उसकी आउटलाइन जो होती है उसके उसको किस शेप, किस डिजाइन में रखना चाहते हैं उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। साइड से जो लाइन आप लिए हैं वो कैसे रखना है, कर्व में रखना है, स्ट्रेट रखना है, जैसा भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। सेटिंग के थ्रू यहाँ से सेटिंग होती है उसकी। जैसा भी आप कोई शेप में चेंजेस चाहते हैं
वो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्स और वाई नॉर्मल वे में अगर आपको समझना है तो एक्स और वाई का मतलब मार्जिन होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो वो इस एक्स को कहते हैं हॉरिजेंटल और वाई को कहते हैं वर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर सपोज कुछ भी हम जी वैल्यू राइट डाउन करते हैं, 0.5 लिखते हैं, ठीक, और एंटर करते हैं। तो देख रहे हैं 0.5 जब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये जो है इसका एक्स जो है एक्स चेंज हो गया, चेंज होके हॉरिजेंटल और इधर और इस साइड लेफ्ट साइड में आ गया है, ठीक है। जब इसके वर्टिकल मतलब कि वाई वैल्यू को चेंज करते हैं, 0.7 करते हैं और एंटर करते हैं, तो देख रहे हैं ये नीचे की तरफ चला गया। तो ये क्या हो रहा है, ये मार्जिन को अलाइन कर रहा है। एक्स और वाई की सेटिंग से यही होता है कि जो आपका ये जो आपका ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया में कोई भी शेप आप लेते हैं तो उसकी मार्जिन को वो सेट करने का काम करता है एक्स और वाई। ओके, हॉरिजेंटली उसको कैसे सेट करना है और वर्टिकली कैसे सेट करना है, कितनी दूरी पे आप चाहते हैं अपने शेप्स को, वो उसकी सेटिंग इसके थ्रू ही होती है। तो देख रहे हैं कि अभी जब मैंने यहाँ पे वाई वैल्यू पुटअप किया है तो 0.7 इंच में मैंने इसको किया, तो देख रहे हैं कि ये जो है अलाइन होके और नीचे की तरफ आ गया है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रोटेटर भी है, ठीक है। तो जितने डिग्री आप यहाँ पर अपने शेप को, जो आपने शेप ले रखा है वो यहाँ से आप जितना डिग्री चाहते हैं वो रोटेट हो सकता है। ओके, 45 करते हैं, एंटर करते हैं। शेप को यहाँ से भी आप वैल्यू के थ्रू, यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं उसके थ्रू भी ये रोटेट हो सकता है आपका शेप, या फिर यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपके स्पेस से थोड़ा सा ऊपर एक राउंड रोटेटर टाइप का कर्सर शो कर रहा है, तो यहाँ से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जितने भी एंगल में आप करेंगे रोटेट उतना डिग्री यहाँ पर शो करेगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी 98.8 डिग्री पे मैंने रोटेट किया है, जितना भी आप यहाँ से रोटेट करते हैं उतना डिग्री यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो एक ये होता है मेथड, और एक प्रॉपर्टीज में सेटिंग के थ्रू यहाँ पे आप अपने फॉर्म में यहाँ पे उतनी वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है उतनी डिग्री में। ओके, तो ये हो गया ट्राइंगल की बात, ट्राइंगल शेप की बात। अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। मिनिमम जो पॉलीगन टूल का एज होता है वो 3 होता है, 3 साइड से होता है एज इसके। वैसे मैक्सिमम इसका बहुत अदर सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा भी एज होता है, तो यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 होता है। ओके, जो इसका मैक्सिमम फोटोशॉप में वो 100 होता है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि पॉलीगन का जो शेप है वो, तो मैंने जो पॉलीगन ले रखा है वो 5 साइड से है, ठीक है। इसके जो एजेस की साइड है, नंबर्स ऑफ साइड्स हैं वो 5 है। ओके, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से आप नंबर्स ऑफ साइड्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 3 होता है, तो 3 में देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल शो कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 5 लिखते हैं तो आप एंटर करते हैं तो देख रहे हैं कि ये 5 साइड से पॉलीगन शो कर रहा है। ओके, फिर यहाँ से आप और इंक्रीज कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको इंक्रीज करके इसके जो शेप एंड साइज है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ये अभी क्या है, 60 मैंने जब इस पे किया है इंक्रीज करके, तो देख रहे हैं कि ये सर्कल के शेप में शो कर रहा है। तो इतना ज्यादा ना इंक्रीज करके इसको 5 ही रखते हैं, सपोज मैं 5 या 6 पे वर्क करती हूँ। ओके, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है फिलेट करने के लिए है, तो यहाँ से आप पिक्सल्स में चेंज कर सकते हैं, सपोर्ट 10 पिक्सल कर दें और एंटर कर देते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि कर्व आ गया है, जब आप फिलेट करते हैं 10 पिक्सल मैंने किया तो देख रहे हैं साइड साइड में कर्व आ गया है। यहाँ से आप स्ट्रोक के साइज को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको डॉट में रखना है स्ट्रोक के लाइन को, जिस भी फॉर्म में आप रखना चाहते हैं स्ट्रोक को उस फॉर्म में रख सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी इसके पिक्सल्स को स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक की थिकनेस को ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से 8 कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं, ठीक है। जो स्ट्रोक आपने लिया है उसकी थिकनेस देख रहे हैं कि थोड़ी ज्यादा हो गई है, 8 पिक्सल हो गई है। ओके, फिर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। इन सारे कलर्स में ना मिले कलर तो आप यहाँ से इस डायलॉग बॉक्स से भी कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी शेड्स में आप इसको शेप्स को अपने सेट कर सकते हैं। ओके,
देन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अदर अदर टाइप्स के फॉर्म दिए हुए हैं कि आप अपने शेप को किस वे में रखना, किस स्टाइल में रखना चाहते हैं, तो वो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है अदर टूल में, अदर शेप टूल में, ठीक है। तो यहाँ से आप उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओपेसिटी है इसकी, तो ओपेसिटी को भी इसको यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको कलर डार्क लग रहा हो तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। और एक चीज और है, अगर आपको इस शेप में सेटिंग करनी है तो आप प्रॉपर्टीज में भी जाके कर सकते हैं चेंजेस, और यहाँ पे भी आप सिंगल क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप इस पॉलीगन टूल की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे इस अदर टूल्स की आप सेटिंग करते हैं एक सिंगल क्लिक करने पे स्क्रीन पे, वैसे ही आप पॉलीगन टूल की भी सेटिंग कर सकते हैं। पॉलीगन टूल में यही है कि ऑप्शंस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, नंबर्स ऑफ साइड, कॉर्नर रेडियस, स्टार रेशियो, ये सारे जो ऑप्शंस है ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं पॉलीगन टूल में, ठीक है। लेकिन अदर टूल्स में ये सारे ऑप्शंस उतने नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ से ओके करते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल क्या है आपका, लाइन टूल है। लाइन टूल को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, तो अभी देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आपको नॉर्मली लाइन टूल ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है तो आप शिफ्ट के संग शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, और जितना भी डिग्री पे जितना लेंथ आप लाइन का चाहते हैं उतने लेंथ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से शिफ्ट के संग आप, ये रेड कर्सर है, जितना डिग्री आप चाहते हैं वो उतने डिग्री पे रोटेट हो जाता है। 45 डिग्री चाहते हैं, 45 डिग्री पे हो गया, 90 डिग्री चाहते हैं, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जितना डिग्री आप चाहते हैं उतने डिग्री पे वो रोटेट हो जाता है शिफ्ट के साथ, लेकिन आपको करना होता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन चाहते हैं तो शिफ्ट के संग आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, और अगर आप नॉर्मल लाइन चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लाइन कमांड यहाँ से लेते हैं, लाइन टूल, और ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब इसकी सेटिंग क्या होती है, इसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहे तो लाइन टूल में कलर चेंज कर सकते हैं, जो आप कलर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप थिकनेस चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक की, जैसा भी आप लाइन अपना रखना चाहते हैं। अगर आप डॉट वाला लाइन रखना चाहते हैं तो वैसा रख सकते हैं, सिंगल नॉर्मल लाइन रखना चाहते हैं तो नॉर्मल लाइन रख सकते हैं। ओके, फिर आप यहाँ देख रहे हैं फिल, फिल में आप यहाँ से कलर कोई भी स्ट्रोक की चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं जो आपने स्ट्रोक लिया हुआ है वही स्ट्रोक की कलर में चेंजेस हो रहा है। इसको साइड से ऐसा स्टाइल में रखना चाहते हैं इस लाइन को तो ऐसे भी रख सकते हैं, जैसा आप आपको बेस्ट पड़ता है वैसा आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। लाइन में अगर थोड़ा आप कर्व चाहते हैं, कर्व हो गया, ठीक है। अभी यही चीज मैं आपको स्ट्रोक में बढ़ा के दिखा दूं, मान लीजिए 20 पिक्सल कर लेती हूँ, एंटर कर लेती हूँ, तो अभी देख रहे हैं जैसा आप यहाँ से लेंगे जिस जिस भी स्टाइल में आप इसको अपनी लाइन को लेते हैं, कर्व में लेते हैं, सर्कल में लेते हैं, स्क्वायर में लेते हैं, जैसा भी स्टाइल में आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप सेटिंग के थ्रू इसको आप ले सकते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मिरर टैब, मिरर कमांड है, फ्लिप वर्टिकल, तो जैसा आप चाहते हैं उसको अब यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। रोटेट के लिए भी यहाँ से कर सकते हैं, रोटेटर के थ्रू आप रोटेट कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये अभी मैंने आपको लाइन कमांड का बताया, ठीक है, कि लाइन टूल को कैसे यूज करते हैं। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल का थोड़ा जो प्रोसेस होता है अलग होता है। कस्टम शेप टूल को मैं आगे की क्लास में डिफाइन करूंगी कि कस्टम शेप टूल का भी कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जब मैं कस्टम शेप टूल लेती हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन क्रिएट हुआ है उसमें आप वेरियस टाइप के शेप्स देख रहे हैं, मतलब इन सारे शेप्स के अलावा भी जो शेप्स होते हैं वो कस्टम शेप्स होते हैं, लाइक बोट, लीफ, एनिमल, ट्रीज, ये सारे चीज जितने भी हैं वो कस्टम शेप टूल हैं जो इसमें फोटोशॉप में ऑलरेडी प्री डिफॉल्ट होते हैं। ओके, अब इसको आप यहाँ पे भी प्री डिफॉल्ट जो शेप है यहाँ से भी आप शेप ले सकते हैं कस्टम शेप के थ्रू थ्रू या फिर आप ब्राउज करके नेट के थ्रू भी डाउनलोड करके ले सकते हैं, उस सेटिंग से होता है। सेटिंग में जाके आप यहाँ से नेट के थ्रू भी आप कस्टम कोई भी तरीके का कस्टम शेप टूल आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं टेक्स्ट में कैसे शेप को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे लेयर्स को ऑफ कर लेते हैं,
जिसपे भी मैंने वर्क किया है। सपोज यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं, ओके, हाउ टू एड शेप्स इन फोटोशॉप। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके अब इसको थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद सेव टूल पे जाते हैं और यहां से हम स्क्वायर टूल ले लेते हैं, ठीक है, यहां से सेट कर लेते हैं। ओके, ये टूल जो है यहाँ तक, जहां तक हमको सेटिंग चाहिए हाईलाइट करना है वहां तक हम सेटिंग कर लेते हैं। ओके, फिर सेटिंग करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सपोज रेड कर देते हैं इसको। रेड करने के बाद को अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी मैंने, ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरीके की सेटिंग के थ्रू होते हैं। लिंक को ऑफ करके जब मैंने सिंगल किया है तो सिंगल ही सिर्फ यहाँ से फिलेट हुआ है, ठीक है। अब मैं जब बोथ साइड से जब इसको लिंक को ऑन करती हूँ, यहाँ से आप जितना भी चाहते हैं यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ से आप माउस के थ्रू ड्रैग करते हैं, लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते हैं तो इंक्रीज इंक्रीज होता है, राइट की तरफ ड्रैग करते हैं तो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप माउस के बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इसके फिलेट को, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को लिख के भी, राइट डाउन करके भी आप पर्टिकुलर शेप को फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लिंक को जब ऑन कर दिए हैं तब आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो देख रहे हैं बोथ साइड से फिलेट हुआ है क्योंकि ये लिंक को मैंने ऑन कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पे मैं इससे ज्यादा कर्व चाहती हूँ तो 10 प्रेस करती हूँ और एंटर कर देती हूँ, ठीक। यहाँ से जितना आप फिलेट करते हैं उतना परसेंट ये बोथ साइड से लिंक ऑन करने पे चेंजेस हो रहा है शेप में, ठीक है। अब चाहते हैं ये जो शेप मैंने लिया है ये शेप आपका बैक में हो जाए और जो टेक्स्ट है वो फ्रंट में आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ लेयर में जाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जाके इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपने शेप उठाया और टेक्स्ट के नीचे जाके ड्रॉप कर दिया, तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है जब जब आपने टेक्स्ट में जाके ड्रॉप किया, टेक्स्ट के बैक में, टेक्स्ट को आपने फ्रंट में किया और शेप को आपने बैक में किया, तो देख रहे हैं अब आपका ये जो शेप आपने लिया है ये शेप बैक में जा चुका है, जो टेक्स्ट है वो फ्रंट में शो कर रहा है। ओके, तो अब आप इसकी ओपेसिटी को भी यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, सपोज आपको डार्क ज्यादा कलर लग रहा है तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, कलर के लिए कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, और जब आपको यहाँ से फिलेट करना है बोथ साइड से तो फिलेट के थ्रू आप यहाँ पे लिंक को ऑन करते हैं, जो लिंक बनी हुई है इस पे क्लिक करते हैं, लिंक को ऑन करते हैं और जितना आप एक में टाइप करते हैं, जितनी वैल्यू एक में होती है उतना वो इक्वली चारों तरफ से 4 साइड से फिलेट हो जाता है। लेकिन अब अगर यही चीज आप लिंक को ऑफ करके करते हैं और सिंगल में करते हैं वैल्यू देते हैं तो सिर्फ जिस साइड से आप, जिस जिधर आप वैल्यू दिए होते हैं उसी साइड से फिलेट होता है। ओके, तो आज की क्लास में आप लोगों ने ये सीखा कि टेक्स्ट में कैसे किसी शेप को ऐड करके उसको सेटिंग किया जाता है, शेप का क्या यूज होता है, और पॉलीगन टूल, रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, स्क्वायर टूल, ये सारे टूल्स के बारे में आप लोगों ने सिर्फ समझा कि इसकी सेटिंग कैसे होती है फोटोशॉप में और इसको कैसे यूज किया जाता है फोटोशॉप में। तो आज की इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से इसी टूल से रिलेटेड और भी ऑप्शंस को डिस्क्राइब करूंगी। आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, थैंक यू।